हम लोग जो अपना न्यूट्रिशन यहाँ पे सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को, विच इज बेसिकली बेस्ड ऑन दोज एक्सपेरिमेंट्स विच हैव बीन डन विद द कैंसर पेशेंट्स एंड लेड टू सम ब्यूटिफुल पॉजिटिव रिजल्ट्स. सो नंबर वन कि हम इस समय पे अपना जो दूध का कंजम्पशन है उसको धीमे धीमे कम करके बिल्कुल बंद कर देंगे, क्योंकि आजकल जो दूध मिलता है उसके अंदर केमिकल्स बहुत ज्यादा रहते हैं. आजकल जो दूध मिलता है, जो वो जिस तरह से निकाला जाता है, एक जान एक शरीर के अंदर से निकाला जाता है, तो जिस तरह से निकाला जाता है उसका बहुत इम्पैक्ट होता है ऑन द क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ दैट फूड. तो जब हम अपने घर में गाय पालते थे और गाय को खुद से खाना खिलाते थे और उसके बछड़े को दूध देने के बाद हम उसका थोड़ा सा दूध अपने कंजम्पशन के लिए लेते थे, वो एक चीज होती थी. आज हम गाय पालते हैं सिर्फ इसलिए कि वो कम से कम 40 किलो दूध दे एक दिन में, और उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हार्मोनल इंजेक्शन देते हैं, क्योंकि कोई गाय ऐसी नहीं है जो साल भर दूध देती रहे. तो हार्मोनल इंजेक्शन देने के बाद और जिस तरह से मशीन से दूध निकाला जाता है उसके अंदर टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं. और ये वो टाइम है हमारी केयर करने का बॉडी को, कि जिसमें ना सिर्फ कि जो ऑलरेडी टॉक्सिन्स हैं उनको हमें निकालना है, बट हमें एडिशनल टॉक्सिन्स तो बिल्कुल लेने ही नहीं है. तो इस समय पे कोशिश करेंगे कि हम दूध का जो कंजम्पशन है उसको धीमे धीमे बिल्कुल बंद कर देंगे. अगर आप कल से बंद कर सकते हैं तो कल से बंद कर देंगे. दूसरी चीज चीनी. चीनी में कोई बुराई नहीं है, मिठास में कोई बुराई नहीं है, बट चीनी जिस तरह से रिफाइन करके बनाई जाती है उसके अंदर इतने केमिकल्स ऐड हो जाते हैं दैट वी नीड टू अवॉइड टेकिंग शुगर. तो आप गुड़ लीजिए, अगर आपको मीठा खाना है तो आप गुड़ लीजिए, लेकिन चीनी का कंजम्पशन बंद करिए. तीसरी चीज मैदा. मैदा और गेहूं जिसके अंदर ग्लूटेन बहुत ज्यादा आता है उसका कंजम्पशन बंद करिए, क्योंकि वो अंदर जाके आपके सिस्टम में बिल्कुल अटक जाता है और बाकी जो खाना आप खा रहे हैं उसको प्रोसेस होने में दिक्कत प्रोड्यूस करता है. तो इन तीन चीजें को बिल्कुल अवॉइड करिए.